हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीके ज्ञान। दोस्तों आज के वीडियो में आपको वेदों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वेद कितने होते हैं। तो वेद होते हैं 4 और वेदांग होते हैं 6। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत होइए कि वेद कितने होते हैं और वेदांग कितने होते हैं। तो वेद होते हैं 4 और वेदांग होते हैं 6। मैं आपको बताती हूँ कि वेद कौन कौन से हैं। तो मोस्टली सभी को पता होगा कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद, ये होते हैं वेद। और अगर वेदांग की बात करें तो वेदांग क्या क्या है, तो वेदांग है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि वेद और वेदांग में अंतर। अब देखिए, सबसे पुराना जो वेद है, यानी सबसे जो प्राचीन वेद है, जैसे कि आप प्रश्न भी देख रहे हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, इसकी जो भाषा थी वो पद्यात्मक थी। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। प्रश्न अगर आ जाता है कि किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो आपको इसका आंसर पता हो गया कि ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को जो है ये संबंधित संबोधित करता है। ठीक है, अब देखिए सामवेद। ठीक है, तो सामवेद में क्या है, सबसे पहले मैं आपको वेदों के बारे में बता दूं, फिर आपको इसके क्वेश्चन आंसर दिखाती हूँ। तो सामवेद क्या है कि मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति में गाया जाता था। ठीक है, जो तो सामवेद है, मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति में गाया जाता था। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता था। ठीक है, आपको समझ में आएगा सामवेद। अब देखिए तीसरे नंबर पर क्या होता है, यजुर्वेद। तो इसमें जो है इसमें गद और पद दोनों हैं। ठीक है, इसमें गद और पद दोनों का ही उपयोग किया गया है। यह कर्मकांड प्रधान है। ठीक है, इसमें जो है कर्मकांड की प्रधानता दी गई है। अब 4 नंबर पे है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में क्या है, इसमें ब्रह्मा ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र तंत्र और टोना टोटका का वर्णन है। यानी अगर प्रश्न बनता है कि जंत्र तंत्र टोना टोटका का वर्णन कहाँ पे है, यानी किस वेद में है, तो आपको इसका आंसर पता हो गया कि ये जो है अथर्ववेद में है। अब देखिए उपनिषद। तो उपनिषद क्या है, इसे ब्रह्मा विद्या भी कहा जाता है। इसकी संख्या 1008 है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो इसको लिया गया है मुंडको निपसद। ठीक है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, फिर से नाम देख लीजिए, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो आपको समझ में आया होगा काफ़ी ये सब। तो अब देखिए, अब थोड़ा सा अगर बात कर रहे हैं वेदों की, तो यहाँ पे पुराण की बात कर लेते हैं। तो जो पुराण होता है, पुराणों की संख्या 18 है, और सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। ठीक है, मत्स्य पुराण, देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखेंगे, मत्स्य, ये इस तरीके से। ठीक है, मत्स्य पुराण, तो सबसे प्राचीन जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें विष्णु भगवान के जो है 10 अवतारों का उल्लेख है यहाँ पे। तो अब देखिए, चलिए ये तो आपको समझ में आएगा अगर ऋग्वेद, सामवेद और इन सब वेदों के बारे में, वेदांग भी बता दिया मैंने। ठीक है, और स्मृति जो है, तो अगर स्मृति की बात करें तो स्मृति, मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। ठीक है, मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीन स्मृति। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न कर लेते हैं। तो देखिए ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या टोटल है 10। ठीक है, नंबर 3 पे देखिए, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, तो सूक्तों की संख्या है 1028। ठीक है, 1000 जो है 28 सूक्त हैं। नंबर 4 पे है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या जो है 10580। ठीक है, 10580 मंत्र इसमें हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कि ऋग्वेद का नौवां मंडल किस देवता को समर्पित है, तो ऋग्वेद का नौवां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। इसी तरीके से देखिए, गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है, तो ये लिया गया है, ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। अगला प्रश्न देखिए, 8वां नंबर क्या है, कि ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है, ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है। ठीक है, तो वो है 10वां मंडल। 9 नंबर पे देखिए क्या है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, यानी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी जो थी वो कौन सी थी, तो वो थी सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। नंबर 10 पे क्या है, ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी है, तो वो हो सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी को जो है
सबसे उल्लेखित नदी है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं? ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं? तो वे हैं इंद्र भगवान। ठीक है, इंद्र जो है उन सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता है। 12 नंबर पे देखिए क्या है, ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन से हैं? तो ऋग्वेद में पहले जो थे, सॉरी बाद में जो जोड़े गए हैं मंडल, वो है पहला और दसवां। ठीक है, पहला और दसवां जो है ये ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए हैं। तो ये थे प्रश्न, आप उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा वेद, और ये टॉपिक अच्छा है, यहाँ से भी एक आध नंबर के प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।